सिरमौर के गिरिपार इलाके को संतोन में हाटी आभार रैली में पहुंचे हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिमाचल प्रदेश में मिशन रिपीट का दावा किया है। अमित शाह ने कहा है कि हिमाचल में 2/3 बहुमत से प्रदेश में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। इस आभार रैली में अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत कई मंत्री, विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इस बार पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की तर्ज पर हर रिवाज बदलने वाला है और 2/3 बहुमत से हिमाचल प्रदेश में फिर से जयराम सरकार सत्तासीन होने वाली है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में परिणाम वाले दिन कांग्रेसी दूरबीन से ढूंढने पड़ेंगे। कांग्रेस पर क्षेत्रवाद और परिवारवाद का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस ने जहाँ क्षेत्रवाद के आधार पर बांटा, वहीं परिवारवाद कांग्रेस में पहले से ही हावी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को खत्म करने का काम किया है ताकि हर युवा को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। और 50 साल के वर्ष में एक रिवाज बदलना है। मेरे हिमाचल के भाई जब भी मिलते हैं रिवाज 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 करते हैं। भाई कोई भी रिवाज पहली बार होगा होगा या नहीं हुआ होगा बताइए। कभी ना कोई रिवाज होता है, पहली बार तो हुआ होगा ना। आप इस पहाड़ी की दीवार पर लिख लीजिए अब एक नया रिवाज बनने जा रहा है, एक बार भाजपा बार बार भाजपा। जरा जोर से बोलिए क्या बनने जा रहा है, बार बार। और ये नई बात नहीं है, पहाड़ी की उस और भी एक रिवाज था उत्तराखंड में, वहां यही कांग्रेसी कहते थे इस चुनाव में कि रिवाज अब हमारी बारी है। अरे कोई रिवाज विवाद नहीं चला, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मैं आज कहकर जाता हूं, आज मैं कहकर जाता हूं, मैंने पूरे देश के कई चुनाव दिखे। माताओं भाइयों बहनों मेरे प्रिय युवाओं, मैंने हिमाचल के मिजाज को जाना है, यहाँ 2/3 बहुमत के साथ फिर से भारतीय जनता पार्टी। और मित्रों ये डबल इंजन सरकार जो है इसको हमने समझा है, देखा है, अनुभव किया, इसके फायदे देखे। ये दिन लग गए, हरी टोपी और लाल टोपी, ऊपर का हिमाचल और नीचे का हिमाचल कुछ नहीं है भाई। हरी टोपी भी भाजपा की है, लाल टोपी भी भाजपा की है, ऊपर भी भाजपा है, नीचे भी भाजपा। कांग्रेसियों आप मेरी बात याद रखना, परिणाम के दिन दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा कौन सी जगह। मुझे एक बात बताइए, परिवारवाद से देश को मुक्ति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? ऐसा नहीं भाई सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलो मुक्ति देनी चाहिए या नहीं। अब मुझे बताओ कांग्रेस में कितने लोग परिवारवादी? तो युवाओं मैं आपको पूछता हूं, आपके लिए कोई जगह बचेगी? बचेगी क्या? मित्रों मोदी जी ने राजनीति में से परिवारवाद को समाप्त करने का काम मोदी जी ने। कांग्रेस पार्टी तुष्टिकरण की लालच में सालों तक हमारी विरासत का सम्मान नहीं कर पाई। राजपथ के नाम को अंग्रेजों के समय से चला रहे थे। कौन राजा भाई, लोकतंत्र में कोई राजा होता है? होता है कोई राजा? राजो महाराजों का टाइम चला गया भाई, मेरी बात समझ रहे हो ना? राजे महाराजे रानी सबका टाइम चला गया, समझ में आता है? राजो महाराजों का टाइम चला गया है, तो लोकतंत्र है। मोदी जी ने राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलने का काम कर दिया मित्रों, कर्तव्य पथ। इस काम को अगर अब की बार हम नहीं कर पाए तो जिंदगी में हमें ये संघर्ष छोड़ देना पड़ेगा। और उसकी बजाय इनका सीधा कहना था
अगर आदरणीय देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के रहते ये काम छूट गया और केंद्र में हमारे यशस्वी गृह मंत्री भाई अमित भाई जी से ये काम अगर छूट गया तो हमारे लिए आने वाले समय में कोई उम्मीद नहीं। इसलिए कई बार इस भावना को व्यक्त करने की कोशिश हर मंच पर की, लेकिन बहुत बात कहने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाई। पर सही माने में मैं कहूं, विश्वास तो था मुझे भाई अमित शाह जी इस काम को अगर हां कह देंगे तो वो करके रहे, क्योंकि आपकी कही हुई बात पत्थर पर लकीर होती, पत्थर की लकीर होती, उसे कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं हटा सकता। इसलिए इस भाव को मैंने जब साथियों के साथ मैंने बात करते हुए कहा, हमने कहा हम आपका पक्ष रखेंगे और मजबूती के साथ रखेंगे, पर कुछ लोगों को लगा कि ये बात पहले भी हमसे पहले कई नेताओं ने कही लेकिन हुई नहीं। लेकिन जैसे हमने ये विषय आपके समक्ष रखा, आदरणीय गृह मंत्री जी के समक्ष रखा, आपने फोन उठाया, आज एक को फोन किया, कहा कि भाई ये मेरे हिमाचल के लोगों का एक दिल के करीब का एक विषय है, इसको करना, एक भावनात्मक मुद्दा ये करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, हमें इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी हिमाचल के साथ इस प्रकार का एक कनेक्ट है, एक रिश्ता है। वर्षों तक यहां पर संगठन के काम में हमने हमारे साथ काम किया, और इसलिए जब भी हिमाचल आना होता तो हिमाचल के साथ पुरानी यादें ताजा करते हैं। अभी चंबा आना हुआ, इससे पहले ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए बिलासपुर आए, और कुल्लू के दशहरे के रथ ग्राउंड में पहुंच करके वहां पर भगवान का जो जितने भी हमारे देवी देवते होते हैं रघुनाथ जी के रथ को हाथ लगा करके उनको अपना शीश नवाज करके आशीर्वाद लिए, ये पहली बार देश के इतिहास में। आज भारत आगे बढ़ता जा रहा है और मुझे इस बात की खुशी है हिमाचल के लिए जो हमारे सामने जो इन 5 वर्ष के कार्यकाल में जो विकास की दृष्टि से मदद मिली है केंद्र से, हर योजना को आप सबके आशीर्वाद से हमको आगे बढ़ने का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री जी से, आपने हिमाचल छोटा प्रदेश लेकर उसके बावजूद हिमाचल को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हिमाचल छोटा प्रदेश लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते आपने जगत प्रकाश नड्डा जी को सम्मान दिया, इसके लिए हम हिमाचल वासी आपके आभार व्यक्त करते हैं। हिमाचल प्रदेश छोटा प्रदेश लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपने स्थान दिया है, उसके लिए भी हम आभार व्यक्त करते हैं।